अस्सलाम वालेकुम। और टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट द टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन की जो इक्वेशन बनी है। लाइन ऑफ एक्शन यानी जहाँ पे वो एक्ट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन अगर बनाएं तो वो किस तरह की होगी। लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज पी वन पी टू पी थ्री अप टू पी एन। लेट द फोर्स पी आई एक्ट एट द पॉइंट ए आई ऑफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एक्स आई और वाई आई। यानी ये कोई भी एक हमने फोर्स ले लिए जनरल पी आई, यानी ये पी वन भी हो सकती है, पी टू भी, और अप टू पी एन। और इसी तरह इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होंगे वो आपके ए वन हो जाएंगे, ए टू, ए थ्री, अप टू ए एन, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, और इसी तरह चलते जाएंगे। कंसीडर कैपिटल एक्स आई कैपिटल वाई आई आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये आपके जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं, ये आपके वैसे ही जो सिंपल कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो हैं उनको हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिया है। सो आपके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले एक्सिस हैं वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं। हेयर ओ ए इज़ इक्वल टू, यानी ओ ए पोजिशन वैक्टर हम किसी भी पॉइंट का बनाएंगे वो बनेगा दो कोऑर्डिनेट्स के साथ, जिसका आई कोऑर्डिनेट होगा स्मॉल एक्स आई और वाई आई जो है उसका जे कोऑर्डिनेट होगा। और इसी तरह जो फोर्स है हमारे पास उसको हम अगर वैक्टर फॉर्म है, या यू कैन से इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस तरह हम फोर्सेज या वैक्टर्स को लिखते हैं उसको लिखे, तो वो कैपिटल एक्स आई और कैपिटल वाई आई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी ए पॉइंट्स हैं, ये जो ए वाले सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखें, ये आपका कैपिटल वाई एक्सिस और ये यहाँ पे भी आप एक्स एक्सिस, इसको स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही आपने सिंपली इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कंसीडर करना है। अब ये जो ए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमने स्मॉल एक्स आई और वाई आई कंसीडर कर लिए, जबकि जो आपके फोर्सेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमने कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स जो हैं वो कंसीडर कर लिए, क्योंकि इनको भी हमने पॉइंट्स में शो करना था और फोर्सेस को भी हमने पॉइंट्स में शो करना था, यानी वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स में। सो हमने ये सिंपली उनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो हैं लेट कर लिए। मोमेंट ऑफ द फोर्स पी अबाउट ओ इज़ जी होता है मोमेंट आपका, वो कैसे आता है, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, यानी आर क्रॉस एफ होता है। आर यहाँ पे हमारे पास ओ ए है, जो ओ पॉइंट जहाँ सॉरी ए पॉइंट जहाँ पे फोर्सेस आपकी एक्ट कर रही थी वो पॉइंट जो है उसका ओरिजिन से फासला, यानी ओरिजिन से हमने पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट तक लिया। सो ये आर क्रॉस एफ, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट को आई जे के की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ये आपके ओ ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स आई और वाई आई बन गए, जबकि फोर्स पी के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स आई और वाई आई। सो यहाँ पे अगर हम ये डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है इसको खोलें तो ये स्मॉल एक्स इंटू वाई आई माइनस वाई आई इंटू कैपिटल एक्स आई इंटू के, यानी के वाला आएगा क्योंकि ये दो फैक्टर्स जो हैं यानी यहाँ पे इनके के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी ज़ीरो हैं। सो मोमेंट जो आपका फोर्स का है उसका अगर हम, वो भी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंट, सो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट में आपको वेक्टर क्वांटिटी हमेशा मिलती है, इसकी हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की, तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है वैसे, डिटर्मिनेंट ही लिखा हुआ है इसको, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी सिंपली ऐसे ही आ जाती है। यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके होता है मैग्नीट्यूड में, ये आपका के कोऑर्डिनेट है। सो आप वहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर या आई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जेथ कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और के वाले का, ये के वाले का पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, और वो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से यहाँ से कैंसिल होने के बाद, सो मैग्नीट्यूड ऑफ जी आपके पास स्मॉल एक्स आई इंटू वाई आई प्लस, और ये बच जाएगा। सो जी आई इज़ इक्वल टू मोमेंट्स ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ पी आई अबाउट हो, ये वाला सेंटेंस जो है इस पर ज़रा आप फोकस करके इसको आराम से समझेंगे। अगर आप देखें कैपिटल वाई आई तो ये क्या है, ये फोर्स पी का वाई कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास फोर्स पी थी इसका वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट या रिजॉल्व पार्ट्स जो हमने जिनको, यानी इस फोर्स को हमने
एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया। सो ये आपकी फोर्स जो है ये वाली कंसीडर होगी अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो। सो वाई आई जो आपने यहाँ पे लिया इसका अगर आप देखें सो इस पॉइंट का यहाँ तक या इसके साथ आप इधर देखें कैपिटल वाई आई के साथ स्मॉल एक्स आई, स्मॉल एक्स जो है वो आपका डिस्टेंस बनता है यहाँ से यहाँ तक। सो अगर हम वाई आई को एक यानी जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है इसको अगेन क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है कंपोनेंट में सिर्फ ये होता है कि एक फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो अगर इसको एज अ फोर्स कंसीडर करें तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इतना यहाँ पे बनता है और वो क्या है आपका एक्स आई। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स वो तो आपका मोमेंट ऑफ दैट फोर्स बन जाता है। सो हमने यहाँ पे क्या किया जो वाई कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स था उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मोमेंट ऑफ दैट फोर्स या आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ दैट रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द फोर्स। इसी तरह अगर आप यहाँ दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो जो वाई था ये यहाँ पे देखें सो अब आप यहाँ पे वाई आई को देखें तो वाई आई आपका एक्स आई के साथ क्या बनता है ये आपकी फोर्स एक्स आई और ये उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाई आई है। सो ये अगर आप देखें तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है ये आपको मोमेंट अगेन देगा। सो जी आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ फोर्स पी आई अबाउट ओ यानी अगर हम रिजल्टेंट का मोमेंट निकालना चाहते हैं या किसी भी एक फोर्स का यहाँ पे देखें ना ये वाला काम जो उसने किया हुआ है यहाँ पे मोमेंट ऑफ अबाउट पी अबाउट ओ तो मोमेंट किस तरह मिलेगा किसी फोर्स का मोमेंट फोर्स के रिजॉल्व्ड पार्ट्स यानी फोर्स को जिन कंपोनेंट्स में आपने रिजॉल्व किया है उन सब का अलग अलग मोमेंट लेके अबाउट द सेम पॉइंट जो कि हमने पहले यहाँ पे भी ओरिजिन कहा था और यहाँ पे भी ओरिजिन कह रहे हैं उसके अबाउट लेके उनको ऐड कर देना है। नाउ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर वेयर आर इज इक्वल टू दिस इज गिवन बाय अगर रिजल्टेंट आपके पास ये है। अच्छा यहाँ पे हमने एक फोर्स की बात की थी ये सिंपली हमने एक फोर्स ली थी उसको हमने मोमेंट देखा कि वो जो है रिजॉल्व्ड पार्ट्स का के मोमेंट्स का सम है। रिजॉल्व्ड पार्ट्स कौन से थे कैपिटल एक्स आई और कैपिटल वाई आई उनके मोमेंट्स का सम किया तो वो उस फोर्स का मोमेंट आ गया। अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट के मोमेंट की बात करें तो फिर रिजल्टेंट क्योंकि ऑलरेडी जो होता है वो ढेर सारी फोर्सेस का सम होता है तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि रिजल्टेंट का मोमेंट अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो सारी फोर्सेस के मोमेंट्स के सम के बराबर होगा। सो जी अगर हम लेट करें कि ये रिजल्टेंट का मोमेंट है तो ये किसके इक्वल होगा सारी फोर्सेस के मोमेंट्स के और सारी फोर्सेस का मोमेंट यानी सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। लेट ओ डैश बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द फोर्स देन मोमेंट ऑफ द फोर्स। अब अगर हमने जो मोमेंट है वो कैलकुलेट करना है अदर देन ओरिजिन तो हमने अदर देन ओरिजिन एक पॉइंट ओ डैश ले लिया उसके अबाउट अगर हमने मोमेंट कैलकुलेट करना है अब फोर्स के रिजॉल्व पार्ट्स तो इसमें सेम रहेंगे हमारे पास लेकिन उसमें क्या होगा कि डिस्टेंस का फ़र्क आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए का हमने ओ से डिस्टेंस लिया था अब हमने ए का डिस्टेंस ओ डैश से लेना है। सो ओ डैश में अगर हम देखें सो यहाँ से यहाँ तक एक्स आई था अगर ओ डैश के अपने कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू ओ इसके लिहाज से ये पॉइंट जो है ये एक्स और वाई बनता है देन आपने और यहाँ तक ये एक्स आई बनता था। सो आपने क्या करना है इसको हम लिख सकते हैं इतना डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो एक्स आई माइनस एक्स हो जाएगा और इतना डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो वाई आई माइनस वाई डेफिनेटली ये यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स आई है और यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो ये वाला अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो एक्स आई माइनस एक्स हो जाएगा जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि अब हमने इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। सो यही वाली फोर्स है इसका जो जिस पॉइंट पे ये एक्ट कर रही है वो ए है ए पॉइंट का हमने पहले ओ से डिस्टेंस लिया था या पोजीशन वेक्टर लिया था अब हम ए का विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश पोजीशन वेक्टर लेंगे। सो अगर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात की जाए
यहाँ से ओ से ए तक कैसे आया था, एक्स आई में से ज़ीरो माइनस किया था, वाई आई में से ज़ीरो माइनस किया था। यहाँ पे अब एक्स आई और वाई आई में से एक्स और वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका पोजिशन वेक्टर ओ डैश ए बन जाएगा। सो इनफैक्ट आप अगर ऐसा काम करें तब आपका ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। सो लेकिन कॉन्सेप्ट की बात है, अगर आपका यहाँ पे क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताया है, सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो जी आई क्योंकि हमें समझ आ जानी चाहिए अब यहाँ तक, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है वैसे भी। सो अगर हम ओ ओरिजिन कंसीडर करते हुए ए का ए पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका मोमेंट लेंगे तो वो आपका इस फॉर्म में आएगा। सो अगर आपका ओरिजिन जो है या पॉइंट आप कोई और ले लेते हैं ओ डैश, सो अगर हमने ओ डैश के अबाउट लेना है तो वो आपका ओ ए पोजिशन वेक्टर क्रॉस पी हो जाएगा। सो ओ ए को आप लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स, ये आपका वो वाला वेक्टर बन गया, और ये वाई आई माइनस वाई वो डिस्टेंस बन जाएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी इतने डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स क्या है, वाई आई और यहाँ पे एक्स आई। सो इन दोनों को अगर हम एक्सपेंड करें और एक्सपेंड करने के बाद ये जो आपकी फॉर्म थी जो आपने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और ये अलग से रहने दें, देन मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ डैश इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ मोमेंट जी डैश ऑफ रिजल्टेंट, ये वाला ऑफ भी नहीं आएगा। सो जी डैश क्या होगा, अगर हम किसी और पॉइंट ओ डैश के अबाउट सारी फोर्सेस का मोमेंट कैलकुलेट करने रिजल्टेंट का मोमेंट कैलकुलेट करने लगे हैं तो वो सारी फोर्सेस का मोमेंट का सम के बराबर होगा अबाउट दैट पॉइंट, और जी डैश की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है वो ये बनती है। अगर हम इस पे समेशन अप्लाई करें तो ये आपका जो है ये तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था जी के इक्वल है। सो इसको हम मोमेंट अबाउट द ओरिजिन लिख सकते हैं, और इसको अगर आप देखें समेशन ओवर एक्स आई, अब आपके एक्स पे तो समेशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर आई कंपोनेंट है ही नहीं। अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा यहाँ पे देखें ये जो है एक्स, ये क्या है, एक्स जो है वो कैपिटल आई जो फोर्स का कंपोनेंट था सॉरी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, और समेशन आपकी सिर्फ अप्लाई हो रही है कैपिटल वाई आई पे। सो आपका क्या है, एक्स जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी था वो मल्टीप्लाई हो रहा है सारी फोर्सेस के, वो सारी फोर्सेस पे डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होगा, परपेंडिकुलर भी होगा सम पे यानी, और यहाँ पे सारी फोर्सेस के जो एक्स कंपोनेंट का सम है उसका वाई के साथ प्रोडक्ट है। सो अगर आप यहाँ पे देखें सो मोमेंट हमने किसी भी फोर्स का या ज़्यादा फोर्सेस का हमने मोमेंट किसी ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होगा सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द ओरिजिन, और उसके साथ सारी फोर्सेस का यानी या सारी फोर्सेस कहें या रिजल्टेंट का कहें, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट पे और रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे वाई कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका प्रोडक्ट करके इनको ऐड करेंगे, ये आपका नेगेटिव टाइम्स होगा, और दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट एनी पॉइंट ओ डैश, इफ़ ओ डैश इज़ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट देन ये नहीं आएगा रिजल्टेंट, इफ़ ओ डैश इज़ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट देन मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट ओ डैश इज़ ज़ीरो। ये डेफिनेटली वही वाली बात है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपने मोमेंट कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट का जो लाइन के ऊपर ही पड़ा हुआ है उसी लाइन के ऊपर अगर आप किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो वो ज़ीरो होगा। सो ज़ीरो होने की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो होने की वजह से मोमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपने इक्वेशन बनानी है तो आपका ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एज इट इज़ रहेंगे, और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपके ये जो बन जाएंगे रिजल्टेंट के कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कंपोनेंट, और ये आपका जी जो होगा मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट ओरिजिन होगा। दिस इज़ द इक्वेशन विच इज़ सेटिस्फाइड बाय एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, सो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिस वेयर जी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट ओ जो मैंने अभी बताया, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ
ऑल द फोर्सेज अबाउट हो, ये एक ही बात है, रिजल्टेंट का मोमेंट लें या सारी फोर्सेस के अलग अलग मोमेंट्स लेके उनका सम करें। सो अगर आप यहाँ पे आएँ तो कैपिटल एक्स आपका है सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या आप कह सकते हैं ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है और ये वाला आपका रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा। सो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल नंबर वन देखें, फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड पी, टू पी, थ्री पी, फोर पी एक्ट रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग द साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड ए। अब स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी, वो हर लेंथ जो है वो ए के इक्वल होगी। फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एट टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू पी एक्ट अलॉन्ग द डायगनल्स बी डी एंड ए सी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए। अब हम ए पे सारी बात करेंगे, ए हमारा पॉइंट होगा। लेट ए बी टेकन एज ओरिजन, ए को हम ओरिजन ले लेंगे, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द साइड्स ए बी। ये वाली लाइन पे हमने इसके अलॉन्ग, यानी इसको हम इन शॉर्ट यू कैन से एक्स एक्सिस कह सकते हैं, इस पे हमने वाई एक्सिस बनाने हैं परपेंडिकुलरली और हॉरिजॉन्टल, यानी सारी फोर्सेज को या तो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट्स में होना चाहिए या फिर इस या परपेंडिकुलर होना चाहिए। पी की बात करें, पी अलॉन्ग है पहले ही, टू पी परपेंडिकुलर है, थ्री पी अलॉन्ग है और फोर पी परपेंडिकुलर है। सिर्फ आपकी दो फोर्सेज जो हैं डायगनल पे फोर्सेज ए सी और बी डी पे जो एक्ट कर रही हैं, जो कि हैं एट टाइम स्क्वायर रूट ऑफ टू पी, इन दोनों को हमने सिर्फ रिजॉल्व करना है। यानी ये जो आपकी फोर्स है इसको हमने, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा और इसमें रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेट ए बी टेकन एज ओरिजन, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द साइड्स ए बी, एक्स एंड वाई बी द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट, वो अलॉन्ग और परपेंडिकुलर होंगे। सो एक्स का अगर आप देखें, सेम काम जैसे हम पीछे करते थे, पी फोर्स ली, पी का अपने साथ एंगल जीरो था, कॉज वाले कंपोनेंट्स लेंगे, वो आपका रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट्स बना देंगे। सो टू पी जो है वो 90 डिग्रीज पे है, 3p जो है वो 180 डिग्रीज पे है, 4p 270 पे है। और अगर आप इस वाली की बात करें और इस वाली की बात करें तो इनमें से एक आपकी फोर्स जो है वो 45 पे है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये फोर्स, ये इतनी जो है 45, और अगर आप ऊपर से आकर यहाँ तक की बात करें तो उसमें पाई ऐड हो जाएगा, सो वो 3π/4 हो जाएगी। सो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसी तरह आपने वाई कंपोनेंट लिया, सो वाई आपका आ गया इक्वल टू 14p। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो होगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिलता है 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ p। ये आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट होगी। फॉर इक्वेन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ये इक्वेन हमें ये इक्वेन हमें पहले ही पता है। सो यहाँ पे g यानी मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट ओरिजन वो 13 है, वो 13 है कैसे आया उसका भी, उस पर भी हम ये अभी हम देख लेते हैं। माइनस एक्स, ये जो एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा, मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आपने इक्वेन बनानी है तो आपके ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई एज इट इज़ रहेंगे और आप कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैपिटल वाई आपने ऊपर कैलकुलेट किया, एक्स आपने ऊपर कैलकुलेट किया, उनकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट की, पी जो है वो हमने कॉमन करके यहाँ से कैंसिल कर दिया। सो दिस इज़ इक्वेन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन इज़ द रिजल्टेंट। अच्छा, इस पे अगर हम आएँ तो ये क्या चीज़ है, ये है जो रिजल्टेंट हमने निकाला है उसका ओरिजिन से अगर हमने डिस्टेंस, यानी ओरिजिन जो हमने माना हुआ है वो ए है हमारे पास, ए का हमने किस तरह निकालना है इसकी बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो है वो ए ज़ीरो ज़ीरो होगा, ए जो है क्योंकि हमने उसको ओरिजिन माना हुआ है। सो लाइन ऑफ एक्शन जो हमने अभी ये इक्वेशन बनाई है इसके साथ हमने डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे एक्स और वाई है वहाँ पे हम ये पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो पुट करेंगे, तो माइनस 13 ए यहाँ से बच गया और बाय अब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए आपके पास 14 है और बी आपके पास 2 है, ये वैल्यूज पुट की ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, अब आएँ इस पे जो अभी मैंने आपसे कहा था जी 13 कैसे आता है, पीछे आएँ। जी जो है
वो आप वैसे ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे हमने ये वाला, इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो आपका जी हम निकालेंगे पॉइंट ए पे अगर, तो हमने सारी फोर्सेस का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब पी और 4p और उसके साथ ये 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2p, ये फोर्स क्योंकि मल्टीपल, ये तीनों जो फोर्सेस हैं ये पॉइंट ए पे में से पास कर रही हैं, इसलिए इनका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। जबकि 2p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फोर्स है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो ये बनता है, वो ए होगा। और इसी तरह 3p पे परपेंडिकुलर ये बनता है या ये बनता है, और ये भी ए के इक्वल है और ये भी ए के इक्वल है। सो 3p का अगर हमने मोमेंट निकालना है तो वो ए टाइम्स 3p हो जाएगा, और ये ए टाइम्स 2p हो जाएगा, और बाकी आपके पास जो फोर्स बचती है वो ये वाली है BD पे जो एक्ट कर रही है। इसका अगर हम देखें, इसको अब हमने रिजॉल्व करना है 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये और ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो ए के साथ वो यहाँ से शुरू होते हुए ये बनता है। सो हम ऐसा करेंगे, ये डिस्टेंस हमने निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये निकालना है और इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये डिस्टेंस आप निकालेंगे किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं, ये वाला आप ये 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पी जो है इसको आप हाफ कर लें, वो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पी, ये इतना डिस्टेंस बन जाएगा। ये टोटल आपके पास ऑलरेडी पी है, तो पिथागोरस थ्योरम आप यूज़ करते हुए ये ए से इस पॉइंट, इसका कोई नाम रख लें आप, ओ रख लें, ए से ओ तक का आप डिस्टेंस पिथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपने मोमेंट्स जो है जो निकाले हैं, यानी 8 टाइम्स 2p और 8 टाइम्स 3p, और इसका जो भी निकलेगा उसको आपने फोर्स से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 13 है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।